So the following characteristics he found, Mendel found in Pisces sativum, where there are several varieties available with quite distinct characteristics. Out of several varieties, he worked over 22 varieties. Actually 34 varieties पे उनका work था, बाद में वो 34 varieties से वो 22 varieties पे work किए. मेंडल्स का अपना वर्क जो था वो 22 वैरायटीज ऑफ पाइसम सैटिवम या गार्डन पी या सिर्फ और सिर्फ आप पी प्लांट भी बोल सकते हैं. सो देयर सेवरल वैरायटीज वन ऑफ द एडवांटेजेस या एडवांटेजेस ओवर अदर स्पेसीज इन अ सिंगल प्लांट. आप अलग अलग तरह के कई तरह के वैरायटीज को ऑब्जर्व किया मेंडल्स ने. फिर पाइसम सैटिवम वॉज इजी टू कल्टिवेट. कल्टिवेशन का जो स्टेप था वो बहुत ही ईजी था. ये भी एक एडवांटेजेस फीचर है पाइसम सैटिवम का अलग स्पेसीज पे. और नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो अब ये दो प्रेसिडिंग जो मैंने लिखा है. पहला फीचर क्या है कि इसके जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मीन्स टू से फ्लावर, फ्लावर को हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आप बोलते हो, वो इनक्लोज्ड है बाय द पेटल्स. सो दैट कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन का ही चांस है. नेचुरली पाइसम सैटिवम गोज फॉर सेल्फ पॉलिनेशन. यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन तभी होता है जब आप कराते हैं उसको, मतलब आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो आर्टिफिशियली हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे बाय अप्लाइंग इमस्कुलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एंथर और बाय बैगिंग. इस तरह के टूल्स को यूज करके मेंडल ने उस पर क्रॉस पॉलिनेशन जरूर कराया. और क्रॉस पॉलिनेशन में भी जो जेनरेशन आया वो सारे के सारे जेनरेशन कम्प्लीटली फर्टाइल था. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था हमारा पाइसम सैटिवम का, और इसलिए भी मेंडल्स का ये वर्क काफी अच्छा और यहाँ तक कि ये फाउंडेशन रहा स्टडी ऑफ जेनेटिक्स का. जो आज हम जान रहे हैं वो इसलिए भी जान पा रहे हैं क्योंकि मेंडल्स का वर्क वैसा था, वर्क्स इस पे इस तरह से किया उन्होंने. सो क्या था, द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स वेयर कम्प्लीटली इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड है सो दैट कि सेल्फ पॉलिनेशन हो और जो जनरेशन उसके बाद आए वो कैसा आए, प्योर ब्रीडिंग आए, ठीक है, बिना हाइब्रिडाइजेशन के. ये नेचर में ऐसे ही इसमें हो रहा है. सो कम्प्लीटली इनक्लोज्ड बाय द पेटल्स सो दैट प्लांट्स वॉज नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटिंग. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट that they are normally or the Pisum sativum are normally self-pollinating. So this led to the varieties producing same characteristic generation after generation. And this phenomenon is called pure breeding or true breeding. इसी phenomenon को आप क्या कहते हो, pure breeding या true breeding भी कहते हैं. बट ये ऐसा नहीं था कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस ब्रीड नहीं कराया जा सकता है, बिल्कुल कराया जा सकता था और मेंडल्स ने ऐसा किया. और बाय आर्टिफिशियल क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन वेराइटीज, बिकॉज वेराइटीज की बात मैंने कर रखी है कि 34 वेराइटीज में 22 वेराइटीज पे मेंडल्स का वर्क था. सो क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन वेराइटीज वॉज पॉसिबल एंड रिजल्टिंग हाइब्रिड्स वेयर कंप्लीटली फर्टाइल. So this is something very important. The resulting hybrids were completely fertile. Generally ऐसा नहीं होता है. जब hybrid की बात करें तो maybe the coming variety or the next generation fertile हो या नहीं हो. But in this case of Pisum sativum, resulting varieties were completely fertile. So this is very very important aspect. Now इतने सारे varieties लिया मेंडल्स ने पाइसम सैटिवम का जिसपे वर्क किया मेंडल्स ने, बट ही फाउंड और ही ऑब्जर्व सेवन कैरेक्टरिस्टिक. ही वर्कड ओवर, एक्चुअली ही वर्कड ओवर सेवन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइसम सैटिवम. सो व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ओवर विच मेंडल्स वर्क. तो मेंडल का जो वर्क था उसपे अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स का जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया उस कैरेक्टर्स में सेवन डिफरेंट कैरेक्टर्स थे. ये भी पूछता है हाउ मेनी कैरेक्टर्स, तो दे आर बेसिकली सेवन डिफरेंट कैरेक्टर्स ओवर विच मेंडल्स वर्क. सो पहला कैरेक्टर क्या है, लेंथ ऑफ स्टेम. तो लेंथ प्लांट के लेंथ पे लेंथ ऑफ स्टेम को देखा गया. फिर शेप ऑफ सीड, तो लेंथ में आपका कैसा था, हाइट आप कह सकते हो, हाइट इज अ कैरेक्टर.
हाइट टॉल भी है और डॉर्फ भी है. इसकी बात मैंने आप इससे पहले वाले वीडियोस में एलील्स के फॉर्म में बताया. तो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स तो यहाँ पे भी है. लेंथ ऑफ स्टेम, शेप ऑफ सीड, सीड का शेप राउंड है, रिंकल्ड है, तो ये शेप ऑफ सीड हम लोग देखेंगे. और उसके बाद कलर ऑफ सीड, इसी कलर ऑफ सीड में ग्रीन भी है और येलो भी है सीड. तो ग्रीन एंड येलो. शेप एंड कलर ऑफ पॉड, तो इसमें भी शेप एंड कलर ऑफ पॉड, वो जो जिसमें की सीड है एक्चुअली उसी को हम लोग पॉड बोलते हैं. तो उस सीड के जिसमें सीड है उसका शेप कैसा है, राउंड है मतलब कंस्ट्रिक्टेड है या फ्लैटेड है, सिकुड़ा हुआ है या फूला हुआ है. तो इस तरह से हम लोग वहां पे मेंडल्स का ऑब्जर्वेशन था कलर ऑफ एंड शेप ऑफ पॉड. नेक्स्ट पोजीशन एंड कलर ऑफ फ्लावर. तो पोजीशन की बात करें अगर फ्लावर की, तो दो तरह से पोजीशन उनका ऑब्जर्वेशन था. एक था एक्सियल, एक्सिलरी बर्ड, एक्सियल फ्लावर, एंड अनदर वन इज टर्मिनल फ्लावर. और उसके कलर की भी बात की जाए तो कलर ऑफ फ्लावर भी था. तो इस तरह से वायलेट एंड व्हाइट की बात होती है फ्लावर में यहाँ पे. तो इस तरह के सेवन अलग अलग कैरेक्टर्स पे इनका अपना ऑब्जर्वेशन था. ये तो था आपका बेसिक कि किस तरह से किस कैरेक्टर्स को लिया और कैसे. अब हम लोग रियल मायने में मेंडल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस को देखेंगे. और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो बना, या प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस था, लाइक मेंडल्स का लॉ, अपना खुद का मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोलते हैं. नेक्स्ट आप देखते हैं इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस, और मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस भी आप बोल सकते हैं इसको. और लास्ट है इसका जिसको कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट करके देखते हैं. तो अभी इस पे पहले हम लोग मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को मोनोहाइब्रिड में देखेंगे, हैविंग वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन.